वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, जो कि ये भी होता था कि वो मंदिर है, मंदिर नहीं है, मेडिटेशन टेम्पल है। तो अभी हम लोग उस जगह पे पहुँच गए हुए हैं, ठीक है। तो मैं वो अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग उसको देखिएगा। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बड़ा दिख रहा है। दरअसल शायद ये बुद्धा का टेम्पल भी बोल रहे हैं कई लोग, मेडिटेशन टेम्पल भी। यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं रखी जाएगी किसी भी भगवान की। तो हम लोग पहले देखते हैं, वो व्यू लेते हैं, काफ़ी अच्छा बन रहा है। सो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग। ये आप लोग देख सकते हो, यही वो मंदिर जो बोला जा रहा है, मेडिटेशन टेंपल है, मंदिर है, बुद्धा टेंपल है, जो कि यहाँ पे काफ़ी चुनाई वगैरह हो रही है, चुनाई बोलेंगे। और यहाँ पे सभी लोग घूम सकते हैं, बाहर बाहर ही सिर्फ आउटवर्ड आप लोग घूम सकते हैं, अंदर आप लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अंदर जाने का परमिशन अभी है नहीं, क्योंकि अभी पूरी तरह से बना नहीं हुआ है। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तभी आप लोग अंदर जाने का परमिशन हम लोगों को मिलेगा। बाकी आप लोग ये देखो, हाथी वगैरह कितने अच्छे, छोटे छोटे बच्चे भी हाथियों के बनाए गए हुए हैं। तो वहाँ देखिए लास्ट में कॉर्नर पे सूट उठाया हुआ है हाथी, जैसे वो पानी वगैरह फेंकते नहीं है अपने ऊपर, वो बना गया है। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये नज़ारा। ये देखिए मार्बल वगैरह सब, ये सब जितने भी मार्बल्स वगैरह आते हैं सब के सब राजस्थान से आते हैं। हाँ, सऊदी अरब से ना, हाँ नहीं नहीं वो गलती हो गई थी, सऊदी अरबिया से आते हैं। क्या बोला तूने? और ये इटावा से, इटली से आते हैं। सो आप लोग देख ही रहे हो, अभी हम लोग बाहर बाहर ही घूमेंगे, क्योंकि हम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त तो है नहीं। देख सकते हो वो वहाँ वो पहुँच गए हुए हैं। हम लोग भी ऊपर चलते हैं भाई, इतना तो हम लोग चल ही सकते हैं, अंदर जाने की सिर्फ परमिशन नहीं है ना, इधर चल सकते हैं हम लोग। और ये देखो, ये सारे के सारे फाउंटेन लगे हुए हैं, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती यहाँ की बढ़ जाएगी। ये देख सकते हो यार कितना खूबसूरत है यार, मेरे को तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो क्या नाचो मैं? आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा। ये देखो एसी वगैरह फिटिंग है। हाँ, वो बुद्ध है ना, ये वही मेडिटेशन वाला है, योगा वगैरह आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, इसलिए बनाया गया हुआ है। इस जगह पे कोई भी मतलब हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आ सकते हैं। इस जगह पे कोई भी मतलब वो नहीं होगा, किसी भी इंसान के लिए, पर्सन के लिए रोक नहीं है कि वो यहाँ पे ना आए, अंदर नहीं जा सकते हैं हम लोग। अच्छा, पीछे नहीं जा सकते ना? अच्छा, काम देखिए चल रहा है। हाँ काम तो चल रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा ये? कब तक पूरा होगा? दिसंबर तक। दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा? कितने साल से बन रहा है ये? इसको हो रहा है 19 साल से। 19 साल से बन रहा है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो, ये 19 साल से बन रहा है, अभी अब के दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों को भैया बता रहे हैं। उस वाले उस साइड अभी कुछ कंफर्म नहीं है। 19 साल से बन रहा है भाई। सो हम लोग वहाँ पे जाके अभी फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, देख सकते हो अभी आगे का हम लोग अभी आपको दिखा रहे हैं। A few moments later. वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पत्थर की मतलब किस तरह के पत्थर के ऊपर डिज़ाइन बन रही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सीरियस कितने अच्छे तरीके से कलाकारी हो रही है। जा रहा है देखिए इस जगह पे लगेगा। हुआ है
अभी इन सभी जितने भी पत्थर प्लेन आपको दिख रहे हैं इन सब पे बनाया जाएगा। वो देखिए भगवान शंकर जी की मूर्ति है और यहाँ पे भैया हाथों से कलाकारी दिखा रहे हैं। ये देखो इस पत्थर पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, पहले से मतलब इस पर छाप दिया गया हुआ है, फिर इसको मतलब छोटे छोटे हाथों से चुना जाएगा। ये देखो हाथों से चुनाई हो रही है, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हाथों से चुनाई हो रही है। और ये देखो स्पाइडर मकड़ी जिसे बोलेंगे, मकड़ी का छत्ता पूरा जाला है। कौन मारा, छटक के आया है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये जब बन जाएगा ना तो इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब खाली स्थान भी है। अब वो देखिए वहाँ पे जेसीबी से लाया जा रहा है मूर्ति को, एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाया जा रहा है। तो अभी हम लोग वो भी दिखाते हैं आप लोगों को, पहले ये देखो और बाकी ये सब। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे मूर्ति किस तरीके से रखी जा रही है वहाँ पे देख सकते हो, भैया वहाँ पे हैं, उसको संभाल के अभी निकाल लेंगे। और ये जेसीबी वाले भैया बहुत ही आराम से बहुत ही सफाई से रख रहे हैं क्योंकि कोई दिक्कत ना हो उसमें, टूटे नहीं। और मैं आपको ये थोड़ा सा पास से दिखा रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी मेहनत से बनाए गए हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर टूट चुकी हुई हैं। और देखिए ऐसे ऐसे रखा जा रहा है, अभी ये सब और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। वो देखिए भैया उसको आगे पीछे करके सही से खड़ा करके रख रहे हैं। वो देखिए वहाँ पे वैसे ही लटा दिया गया है, लटाया जा रहा है फिर उठाया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सी चीज़ें आपको दिखानी बाकी हैं। कैसा लग रहा है? लग रहा है। क्या चीज़ रख दे रहे हैं? बस ऐसे ही रखा जा रहा है, चिपकाया थोड़ी ना जा रहा है, शायद चिपकाया भी जा रहा होगा ताकि इधर उधर हिलने किसी चीज़ से, कुछ भी हो रहा होगा। और जब सिर्फ रखा जा रहा है ना तो ये सिर्फ रखा ही जा रहा है, नहीं कुछ करेंगे बाद में, रेलिंग वगैरह शायद लगा सकते हैं। तो वो देखिए वहाँ पे मूर्ति रख दी गई हुई है। और मैं अब दूसरी साइड से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिए, और जब ये बन जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए। और वहाँ पे देखिए वहाँ पे इतने सफाई से रखा गया, बस वहाँ पे हाथी की जो पैर है, हाथी का जो पैर है वो टूट गया हुआ है, क्रैक हो गया, उसको भी सब लोग अच्छे से सही करेंगे। ये पूरा जितना भी बना गया हुआ है सब पत्थर का बनाया गया हुआ है, बहुत सारे पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं। और लग्जरी बनाने के लिए पूरा शीशा वगैरह लगाया गया, जब ये बन जाएगा बहुत ही खूबसूरत होगा, मैं वो भी वीडियोस बनाऊंगा। सो हाँ चल रहा हूँ, चलिए चलते हैं। 2000 years later. सो आप लोगों को हम दिखा दें कि जब ये बन के तैयार होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, काफ़ी खूबसूरत, जैसे आप लोग देख सक रहे हो, देख सकते हैं इस तरीके से ये बनेगा। बाकी एक अंकल जी वो जो वहाँ पे जा रहे हैं वो बना रहे हैं कि ये मेडिटेशन टेंपल है, यहाँ पे मतलब 20,000 से भी ज़्यादा लोग इसके अंदर आ सकते हैं। जितने में ये बनाया गया लगता नहीं, पर 20,000 से भी ज़्यादा इसके अंदर लोग आ सकते हैं। और इसका जो उद्घाटन होने वाला है, और वो उद्घाटन होगा 17 या 18 दिसंबर को ये उद्घाटन होगा। सो हम लोग उस दिन आएंगे, उस दिन का इस जगह का जो माहौल होगा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। लगता नहीं इतनी जल्दी बन पाएगा, पर इतना ज़्यादा मेहनत सभी वर्कर्स इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 5-6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 महीने में जो भी लगे। सो अभी हम लोग इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे फिर आएंगे 17-18 दिसंबर को हम लोग फिर यहाँ पे आएंगे, और इसका रिकॉर्डिंग मैं करूँगा, मैं खुद करूँगा, मेरे वीडियो पे आएगा, आप लोग भूलना नहीं, मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा और लॉन्ग वीडियो पूरी आ जाएगी। 17-18 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे भी होगा। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, तो बाय।